भाई सबको नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सभी? हरियाणा ग्राम सचिव के पेपर चरम सीमा पर हैं भाई, और आप लगातार लाइव सेशन देख रहे हैं ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो अब यहां पर मेन मुद्दे की बात आती है कि तैयारी तो बतेरी कर ली पिछले एक साल से, दो साल से, या पता नहीं तीन साल से, आप इससे भी ज़्यादा समय से भी हो सकता है कुछ भाई मेरे तैयारी कर रहे हो। इतने समय से हम लगातार तैयारी करते आ रहे हैं, लेकिन आज एक क्वेश्चन ये उठता है कि अब तक हम किसी पेपर में पास क्यों नहीं हो पाए। मैं आपको एक कोज बताऊंगा, एक नेचुरल सा एक रीज़न बताऊंगा कि आप पेपर में पास नहीं होते या फिर एक नंबर से डेढ़ नंबर से फेल हो जाते हैं, वो ऐसा क्यों होता है। तो उसके दो तीन रीजन मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहली बात तो ये, देखो किसी भी पेपर के लिए या फिर हरियाणा की मैं बात करूं, तैयारी करना, उस पेपर के लिए तैयारी करना एक अलग मैटर है कि हमने उस चीज़ के लिए तैयारी करी। दूसरी चीज़, उस तैयारी को जज करना कि हमने कितनी तैयारी करी, कहाँ तक वो तैयारी हमारी हुई। देखो सिर्फ हमें ये महसूस होना कि हमने पढ़ लिया और हमें आता है, क्या सिर्फ उतना मात्र, क्या उतना जान लेना मात्र काफ़ी है कि हम पेपर में पास हो जाएंगे। मैं यहाँ पर कह रहा बात कर रहा हूँ किसी भी टेस्ट सीरीज की, और आपको पता है मैं पिछले कुछ दिनों से परीक्षा ऐप के बारे में आपको बताता आ रहा हूँ भाई। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि हम पेपर में कुछ ऐसी चीज़ें फेस करते हैं जो अगर वो चीज़ें हम पहले से ही फेस कर लें तो हमारा आधा बर्डन तो कम हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूँ भाई, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, जैसे कि आपको पता है हरियाणा में वैसे भी पेपर बहुत कम होते हैं, तो हमारे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है पेपर में बैठने का और फिर पेपर देने का, क्योंकि SSC में अगर हम प्रिपेयर करते तो हर साल पता नहीं कितने पेपर होते हैं, तो वहाँ पर आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है, आपको पेपर में बैठ के वो बर्डन फील नहीं होता। एक बार दो बार होगा फिर आपको वो बर्डन फील नहीं होता, लेकिन SSC ऐसा नहीं है। अगर यहां पर आप तैयारी करते हो, आपको पेपर ही काफी दिनों बाद होते हैं, तो आपको वो बर्डन लगातार बना रहता है। आप जैसे ही पेपर में बैठते हो, आप उस बर्डन को फील कर पाते हो, आप उस टाइम वाले बर्डन को फील कर पाते हो कि मेरे को एक घंटे में, डेढ़ घंटे में ये पेपर खत्म करना है, और आपके काफी सारे क्वेश्चन जो आते होते हैं आपको पता है ये कैसे सोल्व होंगे, आप उसको गलत कर देते हो। और उसके साथ साथ में क्या करते हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप अगर थोड़ा सा टाइम लगाते तो उनको कर देते, लेकिन टाइम मैनेजमेंट की वजह से आप उनको गलत कर देते हो। तो ये दो जो मेन चीज़ है ना, कि भाई एक तो एग्ज़ाम में जो प्रेशर आप फील करते हो वो प्रेशर, और दूसरी चीज़ टाइम मैनेजमेंट, ये दो चीज़ें मेन है। देखो मैं आपको ये नहीं कहता कि आप ये टेस्ट सीरीज ले लो, मैं आपको ये कहूँगा कि आपके लिए कैसे बेनिफिशियल है और आप इसको अपने आगे वाले आने वाले प्रिपरेशन में कैसे इसको बेनिफिशियल बना सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये भाई, अगर परीक्षा ऐप के बारे में मोटा मोटा आपको बताऊँ कि परीक्षा ऐप है क्या। परीक्षा ऐप है भाई जहाँ पर आपको HSSC का एक प्लेटफॉर्म मिलता है, जिसके ऊपर आपको हरियाणा ग्राम सचिव जो अभी पेपर होने वाले हैं उसके साथ में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल और उसके साथ साथ में आपको पटवारी के एग्जाम की पूरी टेस्ट सीरीज मिलती है, जो कि आपको सिर्फ 279 रुपीज में मिल जाएगी। लेकिन अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आपको परचेज करते टाइम एक कोड लगाना है भाई, MukeshG40, जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। MukeshG40 कोड आप लगाओगे तो आपको 40% डिस्काउंट मिल जाएगा, और 279 की जो चीज है वो आपको लगभग 160-170 रुपए के आसपास में प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगर नॉर्मली आप लोगे तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो कोड यूज करके आप इसको ले सकते हैं। तो या तो बात है भाई परीक्षा के बारे में, लेकिन अब बात करते हैं कि हमारा इसमें क्या बेनिफिट होगा। देखो पहली बात तो ये कि आपके सक्सेस के सामने 160-170 रुपये को ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने मेरे चैनल को ज्वाइन किया हुआ है, मेंबरशिप ले रखी है और बच्चे वीडियोस देख रहे हैं। तो देखो अगर आपकी नौकरी लग जाती है तो आप कभी ये नहीं कहोगे कि साहब हमने सस्ते में पढ़ा था या महंगे में पढ़ा था, आप ये कहोगे कि हमने कोचिंग ली थी। लेकिन अगर आपकी जॉब नहीं भी लगती 1%, ये मान के चलो नेगेटिव मान के चलते हैं कि सर हम सक्सेसफुल ना हो पाए 1%, तो आपको दुखेगी नहीं साहब, ये ऐसी कॉस्ट है। मतलब कि 1000-2000 का कोर्स लेने से अच्छा है बढ़िया चीज़ लो, कम पैसे में लो अच्छी चीज़। तो मैं आपको वही रिकमेंड यहाँ पर कर रहा हूँ। आपने बहुत बार कमेंट में मेरे से ये पूछा कि सर कोई ऐसी टेस्ट सीरीज बताओ जहाँ से हम अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें, तो मेरे को जो बेस्ट से बेस्ट लगा पिछली कुछ लाइव सेशन में मैंने वहां से क्वेश्चन उठा के आपको कराए भी हैं, और लेवल बहुत अच्छा है भाई मेरे को पता है, तो आप वो ले सकते हैं। अब वहां से देखो मैंने वीडियो के अकॉर्डिंग टू वीडियो जहां थंबनेल आपने जो देखा है उसके हिसाब से कि भाई परीक्षा ऐप के थ्रू हम अपनी तैयारी बेटर कैसे कर सकते हैं। देखो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सोल्व करना है इसके अंदर, और उस बर्डन को फील करना जो पेपर के अंदर आप फील करोगे। पहली बात तो आप उस बर्डन को पहले ही फील कर पाओगे, तो आपको पेपर के अंदर जो बर्डन पड़ने वाला है पेपर का, आप वहां पर उस बर्डन को फील नहीं करोगे, आपको ईजी लगेंगी सारी चीज़ें। दूसरी चीज़, आप अब से प्रैक्टिस करने लग जाओगे पेपर देने की, तो आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा सारा का सारा। आपको ये पता चल जाएगा कि भाई मैथ सेक्शन में आपका इतना टाइम लग रहा है, GK में आपका इतना टाइम लग रहा है, या फिर ये क्वेश्चन आपसे गलत हो रहा है, ये आपसे सही हो रहा है, और किस क्वेश्चन में आप ज़्यादा टाइम ले रहे हो, तो आप उस चीज़ को भी मैनेज कर पाओगे। लेकिन अब जो मैं बात बताऊंगा आपको, सबसे बड़ा बेनिफिट परीक्षा ऐप का वो क्या है, या फिर किसी भी ऐप का जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करती है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, कि आप पेपर देने के बाद तुरंत अपना रिजल्ट देख सकते हैं कि भाई आपने कितने नंबर लिए टेस्ट में, और वहाँ पर आपको एक कट ऑफ भी लगाई जाती है, जिस कट ऑफ के अनुसार आप देख सकते हो कि आप पास हुए
या फेल हुए। अच्छा, उसके साथ उससे भी तगड़ा बेनिफिट क्या कि आप अपने पेपर को एनालिसिस कर सकते हो, उसका उसको एनालाइज कर सकते हो कि आपने कितने ठीक किए कितने गलत किए, जो गलत किए उन उनका क्या सोल्यूशन था, क्या उनका आंसर था। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ भाई, यही मेन क्रक्स है पूरी वीडियो का। इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परीक्षा ऐप के अंदर जब आप एक घंटे का पेपर दे रहे हो तो ऐसे मत करना कभी भी, आप परचेज कर लो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं परचेज करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर परचेज कर ली तो सही से उसका यूज़ करना आना चाहिए सब। अगर आपने परचेज कर ली और आपने कोई टेस्ट दिया, मान लो ग्राम सचिव का कोई टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद में आपने पूरा टेस्ट दिया, आपके मान लो आए 90 में से 50 नंबर या 60 नंबर, तो वहां पर आपके नंबर कैसे बढ़ सकते थे, इसके लिए आपको उस टेस्ट को आने वाले अगले 2-3 घंटों में ढंग से एनालाइज करना है। अब वो एनालिसिस ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आपने ये देख लिया कि ये क्वेश्चन मैंने सही कर दिया, ये क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया और बात खत्म। नहीं, आपने ये देखना है कि जो क्वेश्चन मैं गलत किया मैंने, वो क्वेश्चन किस कारण मेरा गलत हुआ, वो कंसेप्ट मेरा वीक था, तो आपको उस पूरे पूरे कंसेप्ट को रिवाइज करना है, उस पूरे के पूरे चैप्टर को रिवाइज करना है। अगर हरियाणा जीके का किसी सेक्शन का, मान लो ज्योग्राफी का, हरियाणा जीके का कोई क्वेश्चन आपका गलत हुआ, तो इससे पता चलता है कि आपकी ज्योग्राफी वीक है। अगर ज्योग्राफी वीक है तो वहां से फिर आप ज्योग्राफी की तैयारी करो ताकि आपको सेलेक्टेड टॉपिक मिल जाए जो आपको पता चल जाए कि आपकी यहां से वीक है। अगर साइंस का कोई, मान लो आई से आंख से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया साइंस का, आपने वो चुटकी में सोल्व कर दिया, इसका मतलब क्या है कि आपके आंखों का जो टॉपिक है वो कंप्लीट है, आपको उसको पढ़ने की दोबारा जरूरत नहीं है। तो यहां से आप ये पता लगा पाओगे कि आपको कितना आता है। और अब जो दिन बचे हैं आपके पास, सबसे बेस्ट तरीका यही है साहब कि अब आप टेस्ट दो और उसका रिवीजन करो, टेस्ट दो उसका एनालिसिस करो, एक टेस्ट सुबह उठ के दो और पूरे दिन बैठ के उसकी तैयारी करो। हाँ, एक एक क्वेश्चन के ऊपर एक एक टॉपिक उठाओ और उसको पढ़ो। तो सबसे बेस्ट तरीका आज की डेट में यही है भाई कि अब पिछले बहुत दिनों से आपने बतेरी बुक पढ़ ली, सारे सुधा कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, अब टॉपिक वाइज स्टडी करनी है अकॉर्डिंग टू टेस्ट। जो भी टेस्ट आप दो उस टेस्ट को खोल के देखो, एक एक क्वेश्चन उसका पढ़ो और उस क्वेश्चन के हिसाब से जो भी टॉपिक बनता है, जो आपको कमजोर लगता है, वीक लगता है, उसको कंप्लीट करो। तो इसी नोट के साथ मैं वीडियो को खत्म करता हूं। अगर कोई नया बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ में एक बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसे ही किसी अच्छी बातों के साथ दोबारा से फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।